अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो अपनी बाइक की सर्विस करानी है क्योंकि बहुत अरसे से इसकी सर्विस नहीं हुई। इसकी हमने ट्यूनिंग करा ली और हर चीज़ ओके है, सब बेहतरीन चल रही है। नई ली थी हमने जब से हम चला रहे हैं, मगर सर्विस की इसको अशद ज़रूरत थी जो कि आज हो रही है और इसकी शक्ल निकल आएगी। देखें इसकी शक्ल निकल ही आई ना। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मैं घर से निकल चुका हूँ, गाड़ी की सर्विस भी करा ली है और गाड़ी सेट भी करा ली है। और अभी जो हम खड़े हुए हैं ना वो है ये मरी रोड, मरी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और लेक व्यू पार्क के अपोजिट हूँ मैं, सामने लेक व्यू पार्क है। भाई को जो है मैंने ऑर्डर किया है कुल्फ़ा, तो ये कुल्फ़ा लेके आए हैं मेरे लिए। आपका क्या नाम है? नूरगुल साहब, ये आप कितने अर्से से खड़े हो रहे हैं? ये हमारा तकरीबन 6-7 अर्सा हो गया, 6-7। भाई हमने अपनी रिफ्रेशमेंट ले ली है कुल्फ़े की शक्ल में, तो अब आगे का सफ़र शुरू करेंगे। और जगह बड़ी ठंडी हो गई है, जहाँ मैं इस्लामाबाद से निकल के आया हूँ इस रोड पे आया हूँ ना, तो मौसम ठंडा हो गया। मेरा सफ़र मरी की तरफ शुरू हो गया। मरी तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं मैक्सिमम स्पीड रखता हूँ, बाइक हो या गाड़ी दोनों पर ही पूरी तेज़ी से जाने की कोशिश करता हूँ। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तय करने के बाद मैं बराखो पहुंच गया। बराखो पहले इतना आबाद नहीं था और मार्केट भी छोटी थी, अब यहाँ पर काफ़ी आबादी हो गई है और यहाँ की वैल्यू भी बढ़ गई है। बराखो के रोड का आखिरी पैच बहुत ख़राब है जो कि ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की वजह से ख़राब हुआ है। मैं हमेशा की तरह जल्दी में ड्राइव कर रहा हूँ और सबको पीछे छोड़ता जा रहा हूँ। अब हम इस जगह आ गए हैं जहाँ रास्ता 2 जगह से मरी जाता है। हम राइट मुड़ेंगे एक्सप्रेस वे के लिए। नाउ वी क्रॉस्ड एक्सप्रेस वे टूल प्लाजा, गोइंग इन फुल थ्रॉटल टुवर्ड्स मरी। और मुझे पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और आता है। मुझे पानी का चश्मा नज़र आ गया, हम यहाँ रुकेंगे और फ्रेश होंगे। चश्मे की पानी की बात ही कुछ और होती है। मुंह धोते हुए मेरे शेड्स भी गिर गए। This one is waterproof shades. Nothing happens. ये मौका भी नहीं जाने दिया हमने और बिल्कुल फ्रेश हो गए हम चश्मे के पानी से पी पिला के और मुँह हाथ धो के। अब हम अपना सफ़र आगे करेंगे। अब नज़ारे और अच्छे लग रहे हैं और हम अपने सफ़र के लिए रवा दवा हैं। मैं यहाँ पर अपना घर बनाने की ख्वाहिश रखता हूँ जो एक्सप्रेस वे से अटैच हो। So I am looking all around any beautiful and cool place, especially in summers. ब्रेक ले लिया है हम लोगों ने खाने का और खाना खाएंगे और फिर थोड़ा आगे जाएंगे ताकि जहाँ हमें जाना है वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है। मगर मेन मरी अभी यहाँ से तकरीबन समझ लें कि आप 15-16 किलोमीटर होगा यहाँ से मेन मरी। और बाकी हमारा जो स्टॉप होगा मेरे ख्याल से वो 7-8 किलोमीटर बाद आ जाएगा। खाना आ गया हमारा और हम शुरू करेंगे। दाल मंगवाई है हमने। खाना हो गया है ख़त्म और मिशन हो गया है शुरू। मौसम हो गया बहुत ही ज़बरदस्त, चारों तरफ जो है वो ब्यूटी छाई हुई है, दिल सुकून में आ गया। मेरा टारगेट आगोश कॉलेज के साथ वाली सोसाइटी है। जो कि एक्सप्रेसवे के साथ ही है। और ये जगह आ गई है, इसी बिल्डिंग के पीछे की तरफ सोसाइटी ऑफिस है। स्पेशल ऑफर का बोर्ड तो आपने देख लिया। अब मुझे इस जगह से लेकर जा रहे हैं जहां इनका प्रोजेक्ट है, जो कि थोड़ा नीचे जाकर है। ये मेन रोड आ रही है और ये नीचे जा रही है। एक अच्छी फिलहाल कितनी आगे तक कच्ची है ये सारी गली। और रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, मगरिब के बाद का टाइम भी गुजर गया है और इशा का टाइम हो रहा है। और हम ईद में जो है वो निकल रहे हैं, गाड़ियों को क्रॉस करते रह जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। खिंच के रखेंगे, खिंच के रखेंगे। मैं पंजाबी प्लाजा भी क्रॉस हो गया। बराखाऊ एट नाइट। और यहाँ पहले दिन का अख्ताम हो गया। मैं जहाँ इस्लामाबाद में अभी रह रहा हूँ, ये वो घर है। ये है सरफराज टाउन। इफ़ यू वांट टू चीप प्लेस इन इस्लामाबाद, सरफराज टाउन इज चीप, क्लीन एंड ग्रीन। हम आपका टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट एक्सप्रेवर आप पहुँचे। आज मेरे साथ मेरे 2 बच्चे और माई वाइफ द ग्रेट है। ये हमारा दूसरा दिन है। मौसम बहुत हसीन है, बारिश शुरू हो गई है। हम लोग ज़रा मरी तक पहुँचे थे, आज हमारा दूसरा दिन था, मगर जो है रास्ते में हमें रुकना पड़ा। हम लोग थे बाइक पे और बारिश हो रही है बहुत जागन किस्म की, और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, मज़ा आ जाएगा। आज हमारे साथ जो है वो मुन्नी भी आई हुई है। मुन्नी का पहला ट्रिप है बाहर ये, और जो है मुन्नी फुल इंजॉय कर रही है ठंडक में। और मुन्ना कैसा इंजॉय कर रहा है, मुन्ना कैसा इंजॉय इतना बिजी बिजी मुन्ना है। सारा सामान उठाया हुआ है, किसने दिया सामान? इधर देखो, सामान किसने दिया? दिस इज मस्यारी एंड लोकल्स कॉल्ड मस्यारी। और यही आसपास मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। यहाँ एक्सट्रीम सर्दी नहीं होगी और गर्मी में भी मौसम अच्छा रहेगा। ब्यूटीफुल प्लेस एंड रोड। और अब हम एक रिजॉर्ट साइट देखने जा रहे हैं जहां पर हम अपनी लैंड चूज़ करेंगे। अजलान इज़ सो हैप्पी। यहाँ का मौसम जालिम है। ये जगह रोड से दूर है और हम और नीचे जा रहे हैं। हमने ऊपर से ही लैंड चेक किया क्योंकि नीचे के रास्ते पे नहीं जा सकते थे। बच्चे और वाइफ थक गए हैं। जगह बहुत खूबसूरत है मगर 700 से 800 मीटर रोड अभी नहीं बनी हुई है। चेक द नेचर ब्यूटी। भाई और ट्रिप हो गया है कंप्लीट और हमारा जो प्रोग्राम बना है हम वापस निकलेंगे। बहुत थक गए और मुझसे ज़्यादा बीवी बच्चे थक गए। सही है। इसका तो हाल आप देखें, इसका हाल कैसा हो रहा है। क्या हुआ, घर जाना है? ये देखें बेचारा सही से मेहनत करके आ रही है। सही से मेहनत की है इसने। अब हम वापस अपने घर यानी रेंटेड होम इन इस्लामाबाद एंड प्रे फॉर माई ओन होम। अब मेरा इरादा है कि मैं मरी में लैंड फाइनल ना कर सकूं तो वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा और रेंट पर चला जाऊंगा क्योंकि वहां रहते हुए स्नो फॉलिंग भी देख लेंगे और अपना ज़ाती घर भी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज आपने देख लिया, अभी हमने पेट्रोल डलवा लिया, तकरीबन 1000 रुपये का कितना आया ये भी आपने देख लिया। और हमारा वही टास्क है जो पहले से चल रहा है। तो आज हम दोबारा जा रहे हैं मरी की तरफ और देखें हमने जो है 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया है तो 1000 रुपये के अंदर से कितने पैसे जो है वो कितना पेट्रोल खर्च होता है। पिछली दफ़ा मैं 1350 रुपये में 2 दफ़ा मरी आया गया हूँ। एक दफ़ा मैं अकेला था, दूसरी दफ़ा वाइफ और बच्चे थे। तो टोटल उसके बाद मैंने आगे इस्लामाबाद में थोड़ी बहुत चलाई है गाड़ी। तो माशाल्लाह से पेट्रोल काफ़ी समझ लें कि एवरेज मैंने निकाला मगर मुझे एवरेज कम लग रहा था। जिस तरह 70 का होना चाहिए उस तरह का एवरेज नहीं था। तो ये भी देखेंगे और बाकी रास्ता भी इंजॉय करें। और मरी तो फिर मरी है ना। कंस्ट्रक्शन रोड ऑफ इस्लामाबाद। हम रुके हैं ड्रिंक ब्रेक के लिए बर्क हॉल में और बस अब यहाँ से सीधा मरी के ऊपर चढ़ेंगे। तकरीबन समझ लें कि अब इतनी देर का रास्ता नहीं है, जल्दी चलाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे एक रिसोर्ट का बोर्ड नज़र आया तो मैं समझा कि यहाँ पे भी कुछ मुझे मिलेगा मगर यहाँ पे सिर्फ रिसॉर्ट है। चारों तरफ इनकी कैंटीन वगैरह बनी हुई है और सारा रिसॉर्ट का एरिया ये एम्प्लाइज़ की जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। बाकी यहाँ पर देखें तो झूले वगैरह लगे हुए हैं। आगे भी नीचे रोड जा रहा है, इधर से रिसॉर्ट बना हुआ है। और अब हम इस रिसॉर्ट से जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले लकोट जाएंगे जहाँ तक मेरा ख्याल scene are beautiful. हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है ज़मीन जो लेनी थी और मिल ली है। अब है नेक्स्ट हमारा पॉइंट कि नेक्स्ट हमें अभी कहाँ जाना है, तो चलते हैं। वैसे इरादा कर रहा हूँ कि मैं झीका गली की तरफ जाऊँ, वहाँ पे एक आध प्रोजेक्ट है वो देखूँ, दैन फिर रिटर्न बैक यहाँ पे आऊँ। झीका गली पहुंच गए हैं भाई, हमें पहुंचना था अब्दुल्ला भाई के पास और हम पहुंच गए अब्दुल्ला भाई के पास झीका गली के अंदर। अपर टोपे पे मैं जहाँ पहले रहता था ये वही जगह है, तो इनसे मिलूंगा और वापस अपना टूर वहीं का रखूँगा इंशाल्लाह। ये फ्लैट जो मैंने आपको दिखाया और देख लिया हमने अंदर से बाहर से सब कुछ। अब नेक्स्ट टूर पकड़ेंगे हम, और खाना भी नहीं खाया अभी तक, खाना भी खाएंगे इंशाल्लाह। और फिर यहाँ से खाना खाया। वापस कल वाले प्रोजेक्ट पर जा रहा हूँ फाइनलाइजेशन एंड एक्सपेक्शन के लिए। कल बच्चों की वजह से काफ़ी कुछ बाकी रह गया था, तो बिलाल साहब ने ऑफ़र की, मैंने रात यहीं गुजारी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। और हम लोग आज मरी में ही हैं। मैं रात को यहाँ पे रुक गया था, मेरा कुछ मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो मिशन आज इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ठंडी हवा है, ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पर, इस्लामाबाद जैसा नहीं है। इंजॉय कर रहा हूँ मैं फुल टाइम। और आज मेरा चौथा दिन है इस मिशन पे। फिर मैं वापस एक्सप्रेसवे पे आ गया रेंटेड होम के लिए। This is first house I checked. Stay tuned for shifting. This is second. This is third. As usual, back to my home. Thanks for watching.